हेलो गाइस, आई एम हियर विथ पार्ट 5 और लेक्चर नंबर 5 ऑफ अवर जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कंप्लीट एडवांस सीरीज। एंड आई आल्सो रिकमेंड यू टू फॉलो अवर रियल जेई एडवांस क्वेश्चन सीरीज वेयर वी हैव अपलोडेड 46 पार्ट्स टिल नाउ। ठीक है, अगर आप अपना लेवल चेक करना चाहते हैं तो आप वहाँ कोई भी जाके क्वेश्चंस को ट्राई कर सकते हैं और उसका एक कॉन्सेप्चुअल एक्सप्लेनेशन पा सकते हैं। ठीक, तो चलो बात करते हैं जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। हम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स पढ़ रहे थे लास्ट क्लास में और आज भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स ही पढ़ेंगे। थोड़े और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनाएंगे आज की भी क्लास में। आपको लग रहा होगा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ही 2-3 क्लास से चल रहा है। तो देखो, जब एडवांस लेवल पे पढ़ना होता है तो चीज़ों को थोड़ा डीप में जाके पढ़ना होता है। रेजोनेंस ऐसे थोड़ी ना पढ़ाते हैं कि रेजोनेंस मतलब डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन, 2-3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाए, खत्म हो गया। ऐसे नहीं, हम हर बारीकी को पकड़ के चलना होता है। ठीक है, तो शायद मैंने आपको नेफ्थलीन के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बना के दिए थे। वो कुछ एक्स वाई करके रिंग्स मैंने आपको एक तरीका बताया था। प्रीवियस वीडियोस देख के आए तो ज्यादा बेटर होगा। फिर मैंने आपको होमवर्क में एंथ्रासीन और फिनेंथ्रीन के स्ट्रक्चर्स दिए थे। तो चलो मैं एंथ्रासीन और फिनेंथ्रीन के स्ट्रक्चर्स बनाने की कोशिश करता हूँ कि हाउ मेनी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स विल बी पॉसिबल। पहले मैं थोड़े स्केलेटन्स बना लेता हूँ। एक सेकेंड, मैं पहले स्केलेटन्स बना ले। ये दोनों के स्ट्रक्चर्स मैंने स्केलेटन्स बनाए थोड़े। ये मैं एंथ्रासीन करेंगे और इधर अपन फिनेंथ्रीन करेंगे। आपको मैंने एक्स वाई करके दो बताए थे, कुछ इस तरह से आप बना सकते हो उसको। ठीक है, दिस इज एक्स, ये बेंजीन के दो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। आप पुराने वीडियोस देख के आएंगे तो आपको ज्यादा बेटर फील आएगी। चलो पहले इधर रखते हैं, पहली रिंग को अपन एक्स बनाते हैं। ठीक है, पहली रिंग को एक्स बनाते हैं। ये लो एक्स बनाए, तो दूसरी रिंग इसी के हिसाब से बना दो, ऐसा ऐसा। तो पहली रिंग एक्स हुई, दूसरी रिंग उसके हिसाब से बना दिया हमने। पहला एक्स है, दूसरा क्या है? कुछ नहीं। ये क्या है? कुछ नहीं। ठीक है, अब एक काम करते हैं, पहली को एक्स बनाया हमने, अब पहली को वाई बना के देखते हैं। चलो वो भी कर सकते हैं, पहली को वाई बनाओ। ये वाई टाइप बन गया, तो ये वाई। तो दूसरा क्या है? पहले से दूसरा क्या हुआ? देखो इसके हिसाब से आगे चला दिए, तो दूसरा आपका एक्स बन गया। देखो वाई है, ये एक्स है, ये कुछ नहीं। अच्छा, पहली रिंग को हमने किया, लास्ट वाली रिंग भी हमारी कंट्रोल में है। लास्ट वाली रिंग अभी तक ना तो एक्स हुई है ना तो वाई हुई है। तो चलो एक बार एक्स बनाता हूँ। चलो एक्स बनाया मैंने इसको। ठीक है, मैंने इसको एक्स बना दिया। तो अब दूसरे वाले जो बाकी के जो दो रिंग्स हैं इसके हिसाब से एडजस्ट हो जाएंगे। ये ऐसा, ये ऐसा। अब देखो ये कुछ नहीं है, नहीं ये है। क्या है? ये वाई है, ये एक्स है, तो ये वाई है और ये कुछ नहीं। अब लास्ट वाली रिंग देखो, बीच वाली रिंग एक बार एक्स भी हो गई है, एक बार वाई भी हो गई है। पहली वाली रिंग एक्स हो चुकी है, पहली वाली रिंग वाई हो चुकी है, लास्ट वाली रिंग एक्स हो चुकी है, लेकिन लास्ट वाली रिंग वाई नहीं हुई है, तो लास्ट वाली रिंग को वाई बना दो। ये कुछ ज्यादा बड़ी बात नहीं है, नॉर्मल कॉम्बिनेशंस है और हिट एंड ट्रायल है। ठीक है, आप फाइनल रिजल्ट्स भी आप याद रखोगे ना, आपका काम हो जाएगा। ये देखो, तो ये वाई है, ये कुछ नहीं है, ये कुछ नहीं। तो उम्मीद है आपको ये समझ आ गया होगा। तो चार रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बने इसके। तो अब यहां से एक बच्चों को फीलिंग आने लगती है कि हाँ, तीन फ्यूज रिंग्स थे तो चार बने, नेफ्थलीन में दो फ्यूज रिंग थे तो तीन बने, बेंजीन में एक रिंग थी तो दो बना। मतलब अगर नंबर ऑफ रिंग्स एन है तो टोटल नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर N+1 होगा। ऐसा सही नहीं है। ठीक है, ऐसा सही नहीं है, क्योंकि देखो यहाँ फिनेंथ्रीन में भी तीन रिंग्स हैं, लेकिन मैं रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनाता हूँ इसके, आपको खुद ही समझ में आ जाएगा। चलो यहाँ पे कैसे करें, पहली रिंग को थोड़ा एक्स बनाते हैं। पहली रिंग को एक्स बनाया मैंने, ये बन गया एक्स। इसके हिसाब से बाकियों को बनाओ। यहाँ नहीं हो सकता, यहाँ नहीं हो सकता, यहाँ नहीं, यहाँ यहाँ ऐसा। ये बना इधर, ये बना इधर। तो देखो पहला रिंग एक्स है, दूसरा रिंग क्या है? दूसरा रिंग कुछ नहीं है। और तीसरा रिंग क्या है? तीसरा रिंग क्या है अगर हम देखें तो? तीसरा रिंग जो है ये अपना वाई है। ठीक है, तो पहला रिंग एक्स है, तीसरा रिंग वाई है। अब एक काम करो, पहले रिंग को भी एक्स बनाओ और लास्ट वाले रिंग को भी एक्स बनाओ, ये भी एक पॉसिबिलिटी आएगी। ऐसे ही चलना है जैसे बता रहा हूं, इसको एक्स बनाओ, लास्ट वाले को भी एक्स बनाओ। तो यहाँ पे डबल कहाँ आएगा? यहाँ आएगा। तो ये एक्स है, ये भी एक्स है, ये कुछ नहीं है। अच्छा, पहली वाली रिंग को वाई बना दो। चलो ठीक है, लो बना देते हैं। पहली वाली रिंग को वाई बना दिया, तो अब इसके हिसाब से ये कैसे बनेगा? ये ऐसे बनेगा,
ये ऐसे बनेगा। तो देखो पहली वाली रिंग वाई बनाया मैंने, दूसरी वाली रिंग क्या बन गई, दूसरी वाली रिंग एक्स बन गई, और ये वाली रिंग क्या बन गई, ये वाली रिंग वाई बन गई। तो पहली वाई है तो लास्ट वाली भी वाई बन रही है। तो एक काम करते हैं, पहले को वाई बनाते हैं, लास्ट वाले को एक्स बनाते हैं, बीच वाला उसके हिसाब से बना देंगे। समझो थोड़ा सा समझो यार, ये ऐसा ये ऐसा ये ऐसा, मैंने इसको वाई बनाया, अब लास्ट वाली को एक्स बना देता हूँ, ये एक्स बना दिया, और ये इसके अपने हिसाब से ये बन गया। तो ये वाई है, ये एक्स है, ये कुछ नहीं है, देखो एक नई पॉसिबिलिटी है। अब आपको लग रहा होगा चारों केस हो गए, लेकिन आप ध्यान से देखो, बीच वाली रिंग को देखो ध्यान से, बीच वाली रिंग को ध्यान से देखो, बीच वाली रिंग एक बार एक्स है, कुछ नहीं है कुछ नहीं है कुछ नहीं है, अगर एक बार एक्स है तो एक बार वाई भी तो हो सकता है। तो बीच वाली रिंग से चालू करो, बीच वाली को वाई बनाओ, बीच वाली को वाई बनाओ, तो उसके हिसाब से भी तो आजू बाजू चीजें बन सकती हैं। कैसे बनेगी, ये ऐसे फिर ये ऐसे और ये ऐसे, ठीक है, तो इस हिसाब से भी आपके पास प्रोडक्ट बन सकता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये क्या बन रहा है, दिस इज नथिंग, दिस इज वाई एंड दिस इज नथिंग। तो कितनी पॉसिबिलिटीज आई, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स की पॉसिबिलिटी, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स की पॉसिबिलिटी आई 5। तो यहाँ 4 थे, यहाँ 5 है, ठीक है। अब कुछ और स्ट्रक्चर्स की बात करेंगे, कुछ और स्ट्रक्चर्स की बात करेंगे। चलो तो देखो, ये भी स्ट्रक्चर हमने बनाया था ना, ये वाला स्ट्रक्चर, अल्फा नेफ्थॉल बीटा नेफ्थॉल, शायद मैंने अल्फा नेफ्थॉल आपको बनवाया था, ये अल्फा नेफ्थॉल हमने बनाया था, देखो ठीक है। हमने एक तो तरीका ये अपनाया था कि पूरे इलेक्ट्रॉन्स को घुमाया था हमने, तो उससे एक कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग आई थी अच्छी, और आई गेस 10 स्ट्रक्चर बन रहे थे हमारे पास, है ना, याद है 10 स्ट्रक्चर बन रहे थे। तो अब इसी चीज को ना इस फ्यूज रिंग के कॉन्सेप्ट से थोड़ा देखने की कोशिश करते हैं, थोड़ा ध्यान देना तो समझ में आएगा आपको, ठीक है, थोड़ा ध्यान देना तो समझ आएगा, क्योंकि इससे मिलता जुलता क्वेश्चन जेई एडवांस में आ चुका था, 2014 या 15 में आया था, इंटीजर टाइप है, अल्फा नेफ्थॉल बीटा नेफ्थॉल दोनों में से कोई एक पूछा था, मुझे एक्सैक्टली याद नहीं आ रहा है। तो देखो यहाँ पे माइनस है, तो हमने एक तरीका है कि आप पूरा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना लो, आपको हमने वो करवाया था। दूसरा तरीका थोड़ा ध्यान से देखो, ये माइनस कहाँ कहाँ जा सकता है वो देखो, और उसके हिसाब से फिर फ्यूज रिंग्स को देखो, कितने फ्यूज रिंग्स पॉसिबल है, सुनना ध्यान से। जब ये माइनस यहां है तो ये दो फ्यूज रिंग्स है, नेफ्थलीन जैसे ट्रीट कर सकते हो उसको। तो जब माइनस बाहर है तो ये रिंग्स को आप कितनी अरेंजमेंट्स दे सकते हो, 3, ठीक है, पीछे नेफ्थलीन भी बनाया था हमने। तो जब ये माइनस यहां है तो रिंग को कितनी अरेंजमेंट्स दे सकते हो, 3। अब देखो ये माइनस अंदर घुसेगा, ये इधर आएगा, ये इधर आएगा, ये माइनस अंदर घुसा, जैसे ये माइनस यहां आया तो अब बताओ रिंग्स को कितनी अरेंजमेंट दे सकते हो आप, क्योंकि अब ये तो बेंजिनॉइड रहा नहीं ना, क्योंकि अब इसका पाई तो इधर हो चुका है, तो अब सिर्फ एक ही बेंजीन रिंग बची जो बेंजिनॉइड है। तो जब माइनस यहां है तब आप सिर्फ इस बेंजीन को दो पॉसिबल अरेंजमेंट्स में रख सकते हो, ऐसा ऐसा एक्स वाई, है ना। तो यहां जब माइनस आया तो दो पॉसिबल अरेंजमेंट है, यही माइनस चल के फिर यहां आएगा, वो देख सकते हो, एरो नहीं बना रहा हूं मैं। जब यहां आएगा तो यहां भी दो पॉसिबिलिटीज है, फिर यही माइनस चल के यहां जाएगा। अब देखो जब ये माइनस चल के यहां चला गया तब तो ये वाली रिंग भी डिस्ट्रॉय हो चुकी है, ये वाली रिंग भी डिस्ट्रॉय हो गई ना, तो अब कोई बेंजनॉइड नहीं बचा, तो यहां पे कितनी पॉसिबिलिटी, 1। फिर यही माइनस जब चल के यहां जाएगा तब यहां भी देखो तो कितनी पॉसिबिलिटी, 1। फिर यही माइनस जब चल के यहां जाएगा तो यहां भी देखो दोनों रिंग डिस्ट्रॉय है तो कितनी पॉसिबिलिटी, 1। तो अगर आप यहाँ पे बस यहीं से देखना चाहते हो तो टोटल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऐसे भी आप देख सकते हो, टोटल रेजोनेटिंग कितने आ रहे, 3, 2, 5, 2, 7, 8, 9, 10, यस, वहां भी 10 आंसर आया था, यहाँ भी 10 मिल रहा है। चलो इसी में बीटा नेफ्थॉल ट्राई करते हैं, ठीक है, बीटा नेफ्थॉल, आप वीडियो को पॉज करो और बीटा नेफ्थॉल ट्राई करो खुद से, बीटा नेफ्थॉल खुद से ट्राई करो। चलो उम्मीद है आपने बीटा नेफ्थॉल का जो आयन है ये इसको ट्राई किया होगा। अब देखो इसको थोड़ा ट्राई करने के लिए आप तो पूरा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना के देख लो पहले, या फिर ये वाले तरीके से देखो। चलो मैं इस तरीके से बता रहा हूं, स्ट्रक्चर बना के तो बता चुका हूं पहले,
देखो ये माइनस कहाँ आ रहा होगा, ये इधर आ रहा होगा, तो ये माइनस यहां आया। जब ये माइनस यहां था तब कितनी पॉसिबिलिटीज थी, तीन थी। हाँ तीन थी, क्योंकि वो माइनस बाहर था तो दोनों नेफ्थलीन इंटैक्ट थे, दोनों बेंजनॉइड्स थे, तो तीन पॉसिबिलिटी थी। अच्छा ये माइनस घूम के जब यहां आया होगा तब ये वाली रिंग डिस्टर्ब हो गई, ये वाली रिंग है, तो दो पॉसिबिलिटी। अच्छा फिर ये माइनस ऐसा करके इधर जा रहा होगा, तो ये माइनस इधर, दोनों रिंग डिस्ट्रॉय हो गई, एक पॉसिबिलिटी। यही माइनस फिर यहां जाएगा ऐसे घूम के, तो कितनी पॉसिबिलिटी, एक पॉसिबिलिटी। यही माइनस घूम के यहां जाएगा तो कितनी पॉसिबिलिटी, एक पॉसिबिलिटी। अच्छा और कुछ हो सकता है क्या? हाँ हो सकता है, जब ये माइनस यहां आया तो देखो ये वाली रिंग भी डिस्ट्रॉय हो चुकी है, ये वाली, जब ये माइनस यहां आया। अब यहां से ये वाला माइनस इधर भी तो जा सकता है ऐसा, तो यहां भी एक पॉसिबिलिटी। देखो और कहीं नहीं जा सकता, इतनी पॉसिबिलिटीज ही आएंगी। तो अगर देखा जाए तो 3, 2, 5, 6, 7, 8, 9, तो इसके टोटल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कितने बनेंगे? टोटल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर फॉर दिस आंसर इज 9। उम्मीद है आपको ये तरीका भी थोड़ा समझ आया होगा, तो नहीं समझ आ रहा है तो कमेंट करके जरूर बताएं। कोशिश करेंगे हम अगले वीडियो में कि आपके डाउट्स भी थोड़ा बहुत बता दें, वैसे बहुत क्लियरली समझ में आना चाहिए। ठीक है चलो अब अगला स्ट्रक्चर लेते हैं और उसका आप खुद से ट्राई करें और बताएं कि कितने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर उसके बनेंगे। एंड लेट अस टेक, क्वेश्चन क्या है, मैं क्वेश्चन बता रहा हूँ कि आपको बताना है कितने कार्बन एटम्स है जिसमें नेगेटिव चार्ज डीलोकलाइज्ड होगा। ठीक है कितने कार्बन एटम्स पे नेगेटिव चार्ज डीलोकलाइज्ड होगा? सवाल को अच्छे से सुने, उतना मुश्किल नहीं है ये, आप इसको आराम से कर सकते हैं। देखिए सी ट्रिपल बॉन्ड सी एच, कितने कार्बन एटम्स होंगे जहां नेगेटिव चार्ज डीलोकलाइज्ड होगा? तो वीडियो पॉज करें और आंसर करें। चलो देखें सॉल्यूशन। अब देखो मैं अगर यहीं से बताना चाहूं तो ये माइनस यहां तो कोई दिक्कत नहीं आती, ये माइनस इधर जा सकता है सर, ठीक है तो यहां गया। अच्छा यही माइनस सर इधर भी तो जा सकता है, इधर भी पाई क्लाउड है ये, तो इधर गया, ठीक है सर समझ आती है इतनी बात। अच्छा ये माइनस रिंग पे भी तो आ सकता है, तो देखो मैं एरो नहीं बनाऊंगा, थोड़ा आपको कॉम्प्लिकेटेड सा हो जाएगा डायग्राम। ये माइनस इधर आ गया, अच्छा यही माइनस देखो ऐसे चल के यहां भी जा सकता है, और यही माइनस फिर इधर चल के यहां भी जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं। अब ये माइनस जब यहां है तो इधर भी जा सकता है क्या? इधर भी जा सकता है, इसको देख के क्या फीलिंग आ रही है? इसको देख के एलीन वाली फीलिंग आ रही है, एलीन ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में पढ़ा होगा हमने, है ना। अब ये माइनस देखो कैसे यहां रेजोनेंस करेगा, ये माइनस इधर जाएगा और ये पाई इस कार्बन पे जाएगी, आगे नहीं जाएगी, ये इस कार्बन पे जाएगी। इसको थोड़ा मैं आपको ऑर्बिटल डायग्राम से भी शो कर देता हूं तो ज्यादा अच्छा फील आएगा। तो ये इस कार्बन पे जाएगी माइनस, तो यहां भी एक माइनस आ सकता है। तो कितने कार्बन एटम्स पे नेगेटिव चार्ज डीलोकलाइज्ड है? आप देखें 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, तो करेक्ट आंसर इज 7, करेक्ट आंसर इज 7, ठीक है करेक्ट आंसर इज 7। इसको थोड़ा सा हम ऐसे समझते हैं, देखो ये नीचे माइनस आया, ये बेंजीन है, बेंजीन में पाई पाई है, ये नीचे माइनस आया, ठीक है तो यहां पे क्लाउड रहा होगा इलेक्ट्रॉन का, ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड रहा होगा। और फिर सी डबल बॉन्ड है, तो ये सी ऐसा, फिर एक सी ऐसा। अब आपको ये बात तो पता है कि ये जो पाई बॉन्ड बन रहा है ये इन दोनों के बीच में, ये कुछ ऐसा पाई बॉन्ड बना होगा ये, तो अगर ये पाई बॉन्ड ऐसा है तो एलीन्स में जो ये वाला पाई बॉन्ड बना होगा ये अगर पी एक्स से बन रहा है तो ये जो बना होगा ये पी जेड से बन रहा होता है, ये पी जेड से बन रहा होता है। ये आपको बेसिक्स ऑफ केमिकल बॉन्डिंग में आपने ये सीखा होगा, पी जेड से बन रहा होता है, तो ये ऐसी ओवरलैपिंग कर रहा होता है, दिस काइंड ऑफ ओवरलैपिंग, ठीक है दिस काइंड ऑफ ओवरलैपिंग। तो देखो क्या होगा कि आप देख सकते हो ये इंटरेक्शन है, जैसे ये इंटरेक्शन हुआ तो ये वाली जो इंटरेक्शन थी वो पूरी तरह से इस कार्बन पे आ जाएगी, यही तो हो रहा है। जैसे ये इंटरेक्शन हुआ, देखो जैसे ये और ये के बीच में इंटरेक्शन हुआ, इसके और इसके बीच में कंप्लीट इंटरेक्शन अगर हम मान रहे हैं, अगर हो रहा है, तो ये वाली इंटरेक्शन का जो क्लाउड था वो पूरी तरह से इस कार्बन पर बैठ जा रहा है, इस कार्बन पर बैठ जा रहा है ऐसे, ठीक है, क्योंकि इसके पास कोई ऐसा पैरेलल ऑर्बिटल नहीं है भैया, ये पैरेलल ऑर्बिटल नहीं है इसका पाई वाला, ये ऐसा है। सो दिस इज हाउ वी कैन एक्सप्लेन दिस।
चलो अब एक और इजी क्वेश्चन लेते हैं। आप इस इजी क्वेश्चन को करके बताना मुझे कि पॉजिटिव चार्ज कितने कार्बन एटम पे डीलोकलाइज्ड है। दिस इज द लास्ट क्लास फॉर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। इसके बाद हम रेजोनेंस ही पढ़ेंगे, लेकिन रेजोनेंस के कुछ अलग टॉपिक्स पढ़ेंगे। मैं मेक श्योर करूंगा कि भले थोड़ा सा टाइम लग जाए कराने में चीजों को, बट एक्चुअल एडवांस लेवल की जो जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है वो आपको कराई जाएगी। एक्चुअल रेजोनेंस को दो क्लास में नहीं पढ़ाएंगे। चलो देखो यहाँ पे प्लस आ रहा है, प्लस आ रहा है, और ये डबल है। यहाँ पे ऐसा, ये ऐसा, ये ऐसा, यहाँ पे भी ऐसा ऐसा ऐसा। चलो वीडियो पॉज करो और बताओ कि जो पॉजिटिव चार्ज है वो कितने कार्बन एटम्स पे डीलोकलाइज्ड है। चलो अब ट्राई करते हैं, आंसर बताते हैं आपको। ये देखो ये प्लस, अब प्लस तो कहीं नहीं मूव करता, प्लस की तरफ पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मूव करती है। तो चलो ये पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ मूव की तो यहाँ प्लस आया, फिर ये इधर मूव की। मैं फिर से बोल रहा हूँ ये इजी क्वेश्चन है कंपैरेटिवली, ये इधर गई तो यहाँ आया, देखो इतनी जगह आया प्लस। अच्छा यही प्लस इधर भी जा सकता था, ये इधर गया तो यहाँ आया। अब ये प्लस इधर आया है तो ये प्लस इधर आया तो ये क्लाउड इसकी तरफ आएगा तो प्लस यहाँ, ये इधर आया तो प्लस यहाँ, फिर ये इधर गया ऐसा तो प्लस यहाँ ये मिला। और उसके बाद ये प्लस है इधर तो देखो ये क्लाउड इधर तो प्लस इधर, फिर इधर गया तो प्लस इधर, और फिर इधर गया तो प्लस इधर। बड़ा दिख रहा है बट इजी है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, तो आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज 11। इस क्वेश्चन का आंसर है 11, नॉट वेरी डिफिकल्ट। अगला एक क्वेश्चन करते हैं, वो थोड़ा बेटर है, इसको कोशिश करो। चलो बताओ दिस इज फार बेटर। आप इस क्वेश्चन को करो, क्वेश्चन मेरा ये है नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स अगर एक्स है, नंबर ऑफ कार्बन हैविंग पार्शियल प्लस ये वाई है, तो आपको फाइंड करना है 2x+y। ठीक है, आपको फाइंड करना है 2x+y की वैल्यू। वीडियो पॉज करो, सॉल्व करो। ओके तो चलो मैं कोशिश करूंगा आपको यहीं से समझाने की किसका आंसर क्या होगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन, ठीक है, आप इसको अच्छा क्वेश्चन मान सकते हो। चलो समझने की कोशिश करते हैं। देखो ये प्लस है, मैं यहीं से कोशिश कर रहा हूँ समझाने की। ये पाई इधर आया तो प्लस इधर बना, ये पाई इधर आया तो प्लस इधर आया। देखो ये प्लस जंक्शन में आया है, जंक्शन में आता है तो दो दो रास्ते हो सकते हैं, आप कोई एक रास्ता चुनो। आप इधर से आओ, इधर से आओ, ये इधर आया तो यहाँ प्लस आया, फिर ये इधर आया तो यहाँ प्लस आया, और फिर ये इधर आया तो यहाँ प्लस आया। एक तो ये बने, कितने बने, एक जो पहले से था, फिर ये दो, ये तीन, ये चार, ये पांच, ये छह, ये छह बने। लेकिन एक काम और हो सकता था कि जब ये प्लस यहाँ था, ध्यान से सुनना, ये छह मैंने एक तरफ से बनाया लेकिन ये जंक्शन था ना, तो जब यहाँ प्लस था तो ये पाई क्लाउड भी यही आ सकती थी, लेकिन प्लस तभी भी इसी कार्बन पे आता। तो यहां आपको समझ आ रहा होगा नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इज नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ कार्बन एटम्स हैविंग पार्शियल पॉजिटिव, बराबर नहीं है दोनों। ठीक है, क्योंकि ये दोनों ही स्ट्रक्चर में प्लस इसी में आएगा, लेकिन दोनों अलग अलग रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है। क्लियर होनी चाहिए बात। तो कितने स्ट्रक्चर बने, तो हम बोल रहे हैं चलो सात बने, लेकिन यार ये हमने इधर से चलाया, यही इधर से चलाते तो भी तो बनता। चलो एक बार उधर से चलाते हैं, एक बार उधर से चलाते हैं। ये डबल ऐसा 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 इधर है, मैं इसको फिर से बना दे रहा हूं एक बार। ये ऐसा है यहाँ प्लस है, देखो तो इधर से चलाया तो प्लस आया, फिर इधर से चलाया तो प्लस आया। देखो फिर जंक्शन में आ चुका है, फिर जंक्शन में आ चुका है। हमने क्या किया, अब एक बार इधर से चला दिया तो यहाँ प्लस आया। अच्छा यही प्लस एक बार ऐसे चल सकता है तो यहाँ प्लस आया, यही ऐसे चल सकता है तो यहाँ प्लस आया। तो कितने बने, एक, और यही जब यहां प्लस आया तो यही वाला पाई बॉन्ड ऐसे आ सकता है तो यहां फिर प्लस आ सकता है। तो देखो फिर से आपके पास बने हैं सेवन स्ट्रक्चर्स, फिर आपके पास बने सेवन स्ट्रक्चर, लेकिन ध्यान दो
दो अलग अलग स्ट्रक्चर है लेकिन कार्बन एक ही है जिसमें डीलोकलाइजेशन हुई है। तो हम क्या कहें, कितने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बने, क्या 14 बने? गलती मत करना, 14 नहीं बने। अरे जो शुरू वाला स्ट्रक्चर है उसको तो हमने दो बार काउंट कर लिया ना यार, शुरू वाले को तो दोनों बार काउंट कर लिया, वो थोड़ी ना अलग है, वो तो सेम है। तो क्या होगा, ये आए 13। कितने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बने? 13 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बने। और नंबर ऑफ कार्बन हैविंग पार्शियल पॉजिटिव कितने हैं, गिन लो अब इसको, ठीक है अपने हिसाब से गिन लेना। एक हो गया इधर, दो हो गया ये, तीन, ये चार, ये पांच, ये छह, छह ही गिनना है इसको। अच्छा, और यहाँ पे कोई नया कार्बन आ रहा है क्या छह के बाद? हाँ ये देखो एक नया आ रहा है, सात। ये वाले को फिर से मत गिनना, ऑलरेडी गिन चुके हो। ये सात हुआ, एक नया आया। फिर इधर ये वही वाला है, ये भी वही वाला है, और ये भी वही वाला है। तो हमारे पास एक दो तीन चार पांच छह सात, तो सात ऐसे कार्बन एटम्स आए हैं जिसमें पॉजिटिव चार्ज। अगर कोई छूट गया हो तो आप लोग देख लेना एक बार, वैसे मैंने कोशिश की है सही से काउंट करने की, आपको सब कुछ ड्रॉ करके दे दिया है। तो अगर पार्शियल पॉजिटिव सात एटम्स में डिस्ट्रीब्यूटेड है, अब ये 2x+30y में क्या करोगे, 26+y = 7, ठीक है। तो करेक्ट आंसर इज 33, तो 33 इज द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन। तो इस प्रकार हमने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स तो बनाने अच्छे से सीख लिए हैं, और इतना इनफ है। अब आप क्वेश्चन वेश्चन करोगे तो आपको बनेगा, ठीक है। अब हम आगे थोड़ी सी बात कर सकते हैं, जो हमारा अगला टॉपिक हो रहा है वो क्या हो रहा है, स्टेबिलिटी ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। अगला टॉपिक है स्टेबिलिटी ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। पहले तो ये समझेंगे कि इसमें पढ़ना क्या है, क्या पढ़ना है। आप अभी तक सीख चुके हो कि बहुत सारे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनते हैं, ए बी सी डी, मान लो चार रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनते हैं, और सभी लोग थोड़ा थोड़ा इंफॉर्मेशन देते हैं। किसके बारे में? एक्चुअल स्ट्रक्चर के बारे में थोड़ा थोड़ा इंफॉर्मेशन सभी लोग देते हैं, नॉर्मल सी बात है। तो किसकी इंफॉर्मेशन का जो इनपुट होगा हाइब्रिड में, किनकी इंफॉर्मेशन का जो हाइब्रिड में इनपुट होगा वो सबसे ज्यादा होगा, वो डिपेंड करेगा कि कौन सा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ज्यादा स्टेबल है, ठीक है। स्टेबल कौन सा है? अब इसकी स्टेबिलिटी के रूल्स और नॉर्मल जो कंपाउंड्स होते हैं उसकी स्टेबिलिटी के रूल्स काफी अलग अलग है। ये हाइपोथेटिकल स्ट्रक्चर है, ये थ्योरेटिकल रूल्स है, ठीक है, ये कोई रियल मॉलिक्यूल्स नहीं है। अभी आप आगे चल के जब स्टेबिलिटी पढ़ोगे, जहां आप कार्बोकैटायंस, कार्बनायंस, ये सब की स्टेबिलिटी पढ़ोगे, तो वो रूल्स अलग है, क्योंकि वो इंडिपेंडेंट मॉलिक्यूल्स की बात हो रही है, ये उनके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स की बात हो रही है। ये बात दिमाग में बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। तो हम यहां पे बोलेंगे कि जो सा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर सबसे ज्यादा स्टेबल होगा, मोर स्टेबल द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इज, जितना ज्यादा स्टेबल होगा, मोर विल बी इट्स कॉन्ट्रीब्यूशन, मोर विल बी इट्स कॉन्ट्रीब्यूशन टू रेजोनेंस हाइब्रिड। रेजोनेंस हाइब्रिड में उसका कंट्रीब्यूशन सबसे ज्यादा होगा, जिसकी स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा होगी, उसका कंट्रीब्यूशन सबसे ज्यादा होगा। अच्छा, अगर स्टेबिलिटी इक्वल हो गई तो क्या करेंगे? तो बराबर होगा कंट्रीब्यूशन, एंड दोज विल बी कॉल्ड इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, आगे बहुत यूज होगा, तो लिख लेते हैं उसको भी। इक्विवेलेंट आरएस, क्या ही है इक्विवेलेंट आरएस? मतलब ए और बी अगर दो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है और हमारे पास सभी स्टेबिलिटी प्रेडिक्ट करने के रूल्स हैं, हमने उस रूल से प्रेडिक्ट की स्टेबिलिटी, उन रूल से हमने स्टेबिलिटी प्रेडिक्ट की, और अल्टीमेटली हम इस रिजल्ट पे पहुंचे कि दोनों की स्टेबिलिटी तो एग्जैक्टली सेम है। हम इस रिजल्ट पे पहुंचे कि दोनों की स्टेबिलिटी तो एग्जैक्टली सेम है, तो हम उस पॉइंट पे बोलेंगे कि ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स कैसे हैं, इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैं। तो व्हाट आर इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स? रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैविंग इक्वल स्टेबिलिटी एंड हेंस इक्वल कंट्रीब्यूशन टू द रेजोनेंस हाइब्रिड, हेंस इक्वल कंट्रीब्यूशन
रेजोनेंस हाइब्रिड। ठीक है, ये बात आपको समझ आ गई। तो अब हमको जो पढ़ना है वो है कि स्टेबिलिटी प्रेडिक्ट करने के क्या रूल्स हैं, हाउ टू प्रेडिक्ट स्टेबिलिटी। ये तो पॉइंट तो समझ आ गया कि क्यों पढ़ना है। तो व्हाट आर द रूल्स टू प्रेडिक्ट द स्टेबिलिटी, दैट वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट लेक्चर। ठीक है, दैट वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट लेक्चर। और अगर आपको सीरीज पसंद आ रही है तो कमेंट करके जरूर बताएं आप इसको फॉलो कर रहे हो या नहीं, और नोट्स बना के फॉलो करना, तब जाके कोई मतलब है, ऐसे देखने से कुछ नहीं होगा। ठीक है, बिल्कुल कायदे से नोट्स बना के फॉलो करें तो मैं आपको एश्योर करता हूँ कि जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री रिलेटेड कहीं से भी इसके बाहर का कुछ भी नहीं आएगा। थोड़ा सा टाइम लग रहा है, बिल्कुल थोड़ा सा टाइम टेकिंग होगा, एक ही टॉपिक को बहुत ज़्यादा पढ़ेंगे, बट चीज़ें सब कुछ कवर कराई जाएंगी। ठीक है, तो नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं फिर।